नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृषभ लगन, वृषभ राशि। मेहनती लगन है, मेहनती राशि है, सौम्य है, लेकिन इतने भी सौम्य नहीं है कि कोई आपको मिसयूज कर सके। वृषभ को बोलते हैं बैल, परिवार के लिए बैल है, परिवार के भरण पोषण के लिए बैल है, मेहनती हैं, नो डाउट, मेहनत करना बहुत जानते हैं, पृथ्वी तत्व को लेकर चलते हैं, जल्दी गर्म भी नहीं होते। कैसा रहेगा मार्च 2024 आपके लिए? स्वास्थ्य, धन संपदा, मान सम्मान, लव लाइफ, करियर, इसी एक माह में कौन सी चीज़ें बेहतर होंगी, कहाँ रखनी होगी सावधानी, इसी की चर्चा टू द पॉइंट आपके राशि पे, आपके लगन पे। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे बढ़िए। सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। अगर आप स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ राधे राधे है, फिर किसी तरह की कोई तनाव की जरूरत नहीं है। तो आपके जो लग्न ऐसे हैं या राशि से हैं, ये 7 मार्च को कुंभ में चले जाएंगे। कुंभ मतलब आपके राशि से दशम, लगन से दशम। या वीडियो आप दोनों पे देख सकते हो, राशि पे भी लगन पे भी। तो आपके जब दशम दशम भाव में लगने से राशि से डेफिनेटली आपको मान सम्मान मिलेगा, ठीक है? डेफिनेटली दशम मतलब कर्म, और कर्म से ही मान सम्मान मिलता है। बैठे बैठाए किसी को मान सम्मान नहीं मिलता भाई इस दुनिया में। आप काम करोगे रिस्पेक्ट मिलेगा, काम नहीं करोगे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो शुक्रदेव 7 मार्च, उसके पहले ही भाग्य के घर में है, लेकिन यहाँ कर्म पद पर जाएंगे तो यहाँ पे शनि के साथ रहेंगे। शनि शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग जैसा क्रिएट करती है, मतलब मेहनत करो फायदा लो, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। तो बड़े लोगों से लाइजन बनेंगे, बड़े लोगों के आप संपर्क में आएंगे, बड़े लोगों के साथ आपके काम बनेंगे। तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से डेफिनेटली बेहतर माह जा रहा है। दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी माह ग्रहण योग बन रहा है और शनि मंगल का दंगल भी बन रहा है। तो शनि मंगल का दंगल कोई परेशानी तो नहीं देगा, ग्रहण योग क्या ग्रहण लगाएगा इसकी चर्चा भी आगे, पॉइंट टू पॉइंट। सेकंड, आपके बुधदेव धन के स्वामी है, बुद्धि के स्वामी है। यस्य टका नास्ति सः टकटकायते, जिसके पास टका नहीं है ना, वो सिर्फ टकटकाता है, देखता रहता है बेचारा, कुछ कर नहीं पाता। तो कैसे रहेगी धनात्मक दृष्टिकोण से? तो धन के लिए देखिए, आपकी राशि है वृषभ राशि है, धन तो मिलता ही मिलता है। हाँ, कम ज़्यादा की बात अलग है, लेकिन धन तो प्राप्त हो ही जाता है भाई, भूतत्व को लेकर चल रहे हैं। और पृथ्वी वाले पृथ्वी पर रह के धन नहीं प्राप्त करेंगे तो कब प्राप्त करेंगे? इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को उच्चता मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको धन मिलता ही मिलता है। अब आपके कुंडली में पंचम भाव के जो अधिपति हैं बुध महाराज, वो भी जा रहे हैं कर्मा के घर में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, बढ़िया योग है, पाराश्री राजयोग है, बेहतर फल देंगे। कब जा रहे हैं? तो 7 मार्च को, सॉरी 7 मार्च तक यहीं पे, 7 मार्च को मीन में चले जाएंगे। 7 मार्च तक यहीं पे हैं आपके कर्म भाव में, उसके बाद मीन में चले जाएंगे। मीन में जाते ही नीच के नहीं होते, पूर्व भाद्रपद में नीच के नहीं होंगे, उत्तर भाद्रपद में जाके थोड़ी सी परेशानी इनको आती है, फिर रेवती में धन देना शुरू कर देते हैं। रेवती क्या? धन देते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है, धन क्यों देंगे? क्योंकि भाई देखो, ये धन के स्वामी हैं, इनके पास बैंक बैलेंस है, बुद्धि है, और लाभ के घर में जा रहे हैं, तो लाभ होगा किसका? धन का। बुद्धि से धन का लाभ होगा, पॉइंट याद रखना, बुद्धि से धन का लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, प्रेम से लाभ होगा। तो बढ़िया है, इसका मतलब होली रंगीन जा रही है आपकी। इसके पहले महाशिवरात्रि पड़ रही है, तो महाशिवरात्रि पे जो रात्रियां है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। रात्रि सृजन के लिए है। संसार में जो बीजों का जन्म होता है ना, अंकुर फूटते हैं और रात्रि फूटते हैं, दिन में नहीं, कभी देखिएगा। तो ये रात्रि में जो है ना, सृजनात्मक है। तो महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की आराधना जरूर करिएगा। पूरे एक वर्ष के लिए दुर्घटनाएं टल जाएंगी, वर्ष भर के लिए। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, ठीक है ना, सब कुछ मेट देने की क्षमता रखते हैं। अद्भुत पर्व है, इसको मनाइएगा जरूर। नेक्स्ट, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मा भाव में ही है और शनि महाराज कर्म भाव में होके लाभ के प्रभाव को लेके चलेंगे, मीन नवांश में चलेंगे। 9 मार्च से लाभ देंगे, ये भी टका दे रहे हैं, तो भाई लाभ के दृष्टिकोण से बेहतर जा रहा है। पैसा तो मिलेगा इसमें, कोई डाउट नहीं है, तो लाभ के दृष्टिकोण से बेहतर जा रहा है। अब शनि मंगल की युति क्या दंगल बना देगी? नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मंगल क्या है? व्यापार के स्वामी, व्यापार के स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, अपने नक्षत्र में जा रहे हैं। 7 मार्च से धनिष्ठा नक्षत्र में, जो धन देने के लिए बना है,
नाम ही है धनिष्ठ, ठीक, शक्तिशाली नक्षत्र में। तो 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक कोई टेंशन ही नहीं है। 24 मार्च के आसपास यहाँ पे दंगल बनेगा। क्या बनेगा? दंगल, यहीं पर टकराहट होगी। तो भाई जीवन साथी से पंगा नहीं, नहीं आपको कर देगा नंगा, ठीक है ना, दंगा हो जाएगा घर में। जीवन साथी से पंगा नहीं लेने का, दादा से विरोध नहीं करने का, बड़े लोगों से विरोध नहीं करने का, उनको प्रणाम करिए, कुछ दिन का समय है, परिणाम बेहतर जाएगा। जीवन साथी को उच्चता मिल रही है, जीवन साथी को लाभ। तो आपका लाइफ पार्टनर कोई एग्जाम दे रहा है तो उसको सफल होने के पूरे योग बन रहे हैं। तो यह सफलता का योग है। अब पॉइंट यह है कि आपके सूर्यदेव राहु के साथ जा रहे हैं, क्या सावधानी रखनी होगी, इसको बोलते हैं ग्रहण योग। अब आपके लिए बोलूं, ग्रहण व्रहण कुछ नहीं होता, ऐसा ग्रहण नहीं होगा, नहीं जी, होता है, होता है हर चीज़। जो ज्योतिष शास्त्र में या गोचर में जो चीज़ें बनती हैं उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, कम या ज़्यादा। वर्षा होगी तो असर तो पड़ेगा मित्र, बाहर हो तो ज़्यादा भीगोगे, घर में रहोगे तो कम भीगोगे, मौसम अच्छा हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे स्थिति बन रही है। अब ये पहली बात, तो आपके हार्ट का स्वामी जा रहा है अपने से अष्टम, दूसरा राहु के साथ लग जाएगा ग्रहण, द्वितीय और पंचम पे, पंचम का भी प्रभाव लेंगे, द्वितीय और पंचम पे भी प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पे जो स्थिति देख रहे हैं, मैं द्वितीय पंचम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बुध देव इन्हीं के लपेटे में आएंगे, बुध भी लपेटे में आएंगे। तो हार्ट का स्वामी अपने से अष्टम मतलब माता, घर में कुछ परेशानी, अग्नि से रिलेटेड परेशानी, तो आप गैस पे काम कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई इलेक्ट्रिक वर्क आप कर रहे हैं या तेज़ चीज़ों से कुछ काम कर रहे हैं तो सावधानी से काम करें। यहाँ पे आपके हार्ट में पंपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हार्ट बीट थोड़ी वीक पड़ रही है, क्लेम मत करिएगा। आप बोलोगे मैं क्लेम कर दूंगा, कोर्ट में घसीट दूंगा, ऐसा नहीं है, यह एक अनुमान है और ऐसा होता है, ठीक है ना। अब आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा, घर में थोड़ा दबाव तो बनेगा, हार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा। इसलिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप चलते रहेंगे तो दवाएं नहीं चलेंगी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इससे सरल दवा क्या हो सकती है, अच्छा बताओ। अच्छा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है ये बताओ, आपका ही फायदा है, क्योंकि मेरा एक ही फायदा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे सब लोग अच्छे रहेंगे ना, उनका पैसा, आपका पैसा आपके विकास में लगे, आपका पैसा मेडिकल में ना जाए, तो आप ग्रोथ करोगे, राष्ट्र ग्रोथ करेगा, बस यही फायदा है। तो आप चलते रहेंगे तो दवा नहीं चलेगी, आप नहीं चलेंगे तो दवाएं चलना शुरू करेंगी। तो अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपनी मम्मी के सेहत का ध्यान रखिए, माताजी का सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। घर में मांगलिक कार्य कर रहे हैं, नकारात्मक लोगों से बचिएगा, कुछ लोग ऐसे कीटाणु टाइप होते हैं, वो आके घर में सिर्फ घर की सुख सुविधा को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे नकारात्मक तत्वों से बच के रहिएगा। ओम घृण सूर्याय नमः, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा, होली के रंग में भंग नहीं पड़ेगा, होली का रंग बेहतर चढ़ेगा आपको। हाँ, मार्च के एंड में सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। धनात्मक दृष्टिकोण से लाभकारी माह है आपके लिए। उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत, उठो जागो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि यह श्रेष्ठ समय है। राधे राधे।